मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने अपना काम नहीं किया और फॉरेन ऑफिस ने उसको पुश नहीं किया तो बच्चे को, गरीब बच्चे को या उसके बाप को कोई कॉम्पनसेशन या किसी यार बहन भाई की, मैं उनकी फैमिली को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन कौन लवाई कीन है, लेकिन वैसे ही ये एक खौफनाक बात है। आप एज अ पेरेंट देखे ना यार, आप भी पेरेंट है, मैं भी हूँ, अब खान साहब, यानी पेरेंट की जो औलाद होती है वही उसका पूरा सासा होता है। वो जितना मर्जी अमीर आदमी हो, वो जितना करोड़ पति हो, अरब पति हो, औलाद उसका असासा है। औलाद का बड़ा, इससे बड़ा दुखी कोई नहीं है, इससे बड़ा गमी कोई नहीं है। तो अगर इसको आप सेंसिटिव तरीके से हैंडल करते पूरे इश्यू को, तो कम से कम आप उसके जख्मों पे मरहम तो रख सकते थे। आप पोस्टमार्टम नहीं करना, नहीं करना यार, आपने कोई बात नहीं, आपको कॉज ऑफ डेथ तो पता है ना, वो तो सबको पता नहीं, है। देखो सामने वजह, लेकिन लीगली नहीं है। मैं कुछ और वो कल कह देंगे जी उसको तो हार्ट अटैक से मरा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप, नहीं मरा, आप हार्ट अटैक से ही मरा है, तो हार्ट अटैक इम्पैक्ट के ऊपर हुआ है ना, आइदर वे इम्पैक्ट तो हुआ है ना, यू कांट डिनाई दैट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के नाउ व्हाट, क्या वो आदमी जोसेफ चला गया पाकिस्तान छोड़ के, क्या ऑलरेडी वो गायब हो चुका है? और अगर गायब नहीं हुआ तो क्या वो आएगा बयान देने, क्या अमेरिकन एम्बेसी का कोई बंदा आएगा कि नहीं आएगा, या उसको अब हुकूमत पाकिस्तान 15 लाख रुपए जो देती हैं, जिसमें शहबाज शरीफ बड़ा खुश होकर 8 लाख और 15 लाख और 5 लाख उस तरह की रकम